बिहार के मुख्यमंत्री आज एक बार फिर से जनता दरबार में हाजिर होंगे और बिहार के लोगों की फरियाद सुनेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन होता है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आने के लिए पहले ही ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होता है, फिर उन्हें मुख्यमंत्री के जनता दरबार में हाजिर होने के लिए बुलाया जाता है। आज मुख्यमंत्री जिन विभागों से जुड़े मामले की सुनवाई करेंगे उनमें गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध विभाग, निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग शामिल है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के खत्म होने के बाद एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन किए हैं। प्रत्येक महीने के 3 सोमवार को मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है और जनता दरबार में मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं। इस बीच आने वाले फरियादियों की शिकायत अधिकारियों के सामने सुनते हैं और जो भी शिकायत मिलता है उसे तुरंत दूर करने का प्रयास मुख्यमंत्री करते हैं। साथ ही साथ अधिकारियों को कई तरह के गाइडलाइन भी दिया जाता है। आपको बता दें कि सचिवालय स्थित संवाद के पास बनाए गए नए हॉल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार लगता है। इस दौरान कोरोना का गाइडलाइन पूरी तरीके से पालन किया जाता है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचने वाले सभी फरियादियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जिन फरियादियों ने वैक्सीनेशन कराया है उन्हें ही जनता दरबार में आने की इजाज़त भी दी जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जिन विभागों के समीक्षा करते हैं उस वक्त मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो अधिकारी वो मौजूद होते हैं, मुख्यमंत्री तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। इस कई दफ़े हमने देखा है कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री के सामने अधिकारियों की शिकायत करने फरियादी पहुँचते हैं। साथ ही साथ विभाग में कई ऐसी कमियाँ हैं वो भी उजागर होता है। मुख्यमंत्री इस पे आपत्ति भी जताते हैं, तुरंत अधिकारियों से उस शिकायत को दूर करने का भी निर्देश देते हैं। आपको बता दें कि जनता दरबार में सबसे ज़्यादा जो मुद्दे होते हैं वो प्रत्येक सोमवार को जब भी मुख्यमंत्री के जनता दरबार लगता है तो उससे जुड़े विभाग के जो अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के साथ उन विभागों के मंत्री और उनके पदाधिकारी भी मौजूद होते हैं जिन्हें तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा जाता है। जिन विभागों में लापरवाही बरती जाती है मुख्यमंत्री उस पर सख्त होते हैं और फिर समीक्षा बैठक में उन पर सवाल उठाया जाता है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।